Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss an English question paper of class 3rd. ये आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है केंद्रीय विद्यालय का एंड आप पेपर को देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर केवी में आता है. थोड़ा सा आपको आइडिया भी होगा कैसे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है एंड थोड़ा सा आपको पता भी लगेगा कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है. ओके, सो शुरू करते हैं. उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर, किसी ने बाई चांस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी नेक्स्ट टाइम मिस ना हो. ओके, सो ओवरव्यू देख लेते हैं. 2.5 आवर का पेपर होता है आपका ये थर्ड क्लास इंग्लिश. ओके, कॉम्पिटेंसीज रीडिंग, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं. रीडिंग में आपके अनसीन एंड सीन पैसेजेस आएंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर होगी, क्रिएटिव राइटिंग होगी, उसके बाद स्पेलिंग एंड देन हैंड राइटिंग और फिर आपके टोटल मार्क्स. ओके, शुरू करते हैं. अनसीन पैसेज है फर्स्ट. इससे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका सीन पैसेज आया था जो आपने देखा हुआ है पहले आपकी बुक से. इस बार अनसीन आएगा हाफ ईयरली में. सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. द ब्लू व्हेल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल. ब्लू व्हेल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है. इट लिव्स इन सी वाटर. ये सी वाटर समुद्र के पानी में रहती है एंड वेरी यूजफुल टू मैन. और मैन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इन अर्लियर डेज, पहले कुछ शुरुआत के दिनों में, पीपल किल्ड व्हेल फॉर देयर फूड एंड ऑयल. लोग जो है वो व्हेल को मारते थे फूड के लिए एंड ऑयल के लिए. आप जानते होंगे ऑयल, फिश का जो है वो ऑयल भी बनाया जाता है. दे यूज्ड व्हेल ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. वो व्हेल ऑयल को यूज़ करते थे, तेल को यूज़ करते थे मछली के कुकिंग के लिए, खाना बनाने के, लाइटिंग के लिए, जलाने के लिए. टुडे व्हेल ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स. आजकल व्हेल का जो ऑयल है वो यूज़ किया जाता है सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए एंड वार्निशेस. ओके, वार्निश बनाने के लिए. बट वी शुड नॉट किल व्हेल्स बिकॉज दे आर वेरी फ्यू नाउ. लेकिन हमें व्हेल्स को मारना नहीं चाहिए क्योंकि अब वो बहुत कम बची हैं एंड समटाइम्स नो व्हेल वुड बी लेफ्ट. और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कोई भी व्हेल ना बचे. ये आपका पैसेज है, आपने पढ़ लिया, समझ लिया. क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल. वर्ल्ड का बिगेस्ट एनिमल कौन है? पहली ही लाइन में इसका आंसर है, द ब्लू व्हेल इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल. तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे ब्लू व्हेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इट लिव. व्हेल कहाँ पर रहती है? तो इट लिव्स इन सी वाटर. बस इतना ही आपको लिखना है कि ये सी वाटर में रहती है. नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल किल द व्हेल इन अर्लियर डेज. अर्लियर डेज में लोग व्हेल्स को क्यों मारते थे? तो अर्लियर डेज में मारने का रीज़न ये था, द इन अर्लियर डेज पीपल किल्ड व्हेल्स फॉर फूड एंड ऑयल. फूड और ऑयल के लिए वो उसको मारते थे. तो ये आंसर आप थर्ड में लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूज़ ऑफ व्हेल ऑयल टुडे. आजकल व्हेल ऑयल का क्या यूज़ है? तो आजकल हम यूज़ करते हैं, टुडे व्हेल ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड वार्निशेस. ओके, तो ये आंसर आप डी के आंसर में लिख देंगे. नेक्स्ट इज ई व्हाई शुड वी नॉट किल द व्हेल्स नाउ. अब हमें व्हेल्स को क्यों नहीं मारना चाहिए? सो वी शुड नॉट किल व्हेल्स बिकॉज दे आर वेरी फ्यू नाउ. हमें इसलिए उनको नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो बहुत कम बची है एंड समटाइम्स नो व्हेल विल बी लेफ्ट. और कुछ दिनों बाद हो सकता है कोई व्हेल बचे ही ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑपोजिट. ऑपोजिट बताने हैं आपको. मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्यू. फ्यू मतलब थोड़े से. नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा आपका बिगेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज पुट टिक और क्रॉस. टिक या फिर क्रॉस आपको लगाने हैं. व्हेल्स लिव ऑन लैंड. व्हेल्स लैंड पर रहती है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वो कहाँ रहती है? वाटर, पानी में. ओके, नेक्स्ट इज व्हेल्स आर बिग एनिमल. दिस इज ट्रू. इनफैक्ट बिगेस्ट एनिमल है वो वर्ल्ड पर. सो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे एंड सेकेंड में करेक्ट टिक. नेक्स्ट इज पिक आउट टू वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंडिंग विद इन. कोई भी एक दो आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं पैसेज से जो कि विद इन से एंड हो रहे हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है. यहाँ पर ये होना चाहिए एंडिंग विद ing. ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका, दो वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज जो कि एंड हो रहे हो ing से. तो देख लेते हैं, एक हो जाएगा आपका मेकिंग, ing से एंड हो रहा है मेक मेकिंग, कुकिंग, लाइटिंग. ओके, सो इन तीनों में से आप कोई भी वर्ड्स वहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली. जंबल वर्ड्स हैं, OSAP. तो ये है आपका सोप, SOAP. ओके, नेक्स्ट इज RWTAE. ये है आपका वाटर, WATER.
नेक्स्ट इज मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड वेल. वेल को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. वेल इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल. ओके, या आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं वेल्स लिव्स इन वाटर. वेल लिव्स इन वाटर, वेल पानी में रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एक सीन पैसेज है जो आपकी बुक से होगा. कहने का मतलब है एक अनसीन पैसेज आएगा और एक सीन. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. देर वॉज ए ग्रेट जॉय इज नीनाज हाउस. नीना के घर में ग्रेट जॉय था, बहुत खुशी का माहौल था. नीनाज एंड वॉज गेटिंग मैरिड. उसकी आंट जहन की शादी हो रही थी. नीना हर फादर हर मदर एंड लिटिल ब्रदर वॉज वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. उसका भाई माता पिता और छोटा भाई जो है वो दिल्ली जा रहे थे वेडिंग अटेंड करने के लिए. एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. नीना के अलावा सब बहुत खुश थे. हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाई न्यू क्लोथ्स. उसकी मदर उसको मार्केट लेके जाती है न्यू क्लोथ्स बाय करने के लिए, खरीदने के लिए. वॉट कलर वुड यू लाइक मदर आज. तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, मदर ने पूछा. आपकी बुक का ही पैसेज है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में ग्रेट जॉय क्यों था. तो नीना देर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड. उसकी आंट जो है उनकी शादी हो रही थी. हु वर गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग. कौन जा रहा था दिल्ली शादी के लिए. सो नीना हर फादर मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. ये सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड नीना मदर टेक हर टू द मार्केट. नीना की मदर उसको मार्केट क्यों लेके गई. सो नीनाज मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस. न्यू ड्रेस खरीदने के लिए वो उसको मार्केट लेकर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did mother ask? Mother ने क्या पूछा. तो mother ने क्या पूछा था. The mother asked, What color would you like? कि आपको तुम्हें कौन सा color पसंद है. Next is write two words from the passage ending with ing. ing से end होने वाले दो passage word बताने आपको passage से. First is getting, second is going. Okay? ये दो words हो गए आपके. Next is write the opposite gender. Opposite gender लिखिए. Father, mother, uncle, aunt. aunt and sister brother. Okay, next is match the following happy unhappy took gave. ये opposite words हैं आपके. Next is arrange the word in order to make a meaningful sentence. Jumble words हैं यहाँ पर आपके. Aunt Nina's getting was married. तो इसको आप लिखेंगे Nina's aunt was getting married. Okay, rearrange करके यहाँ पर meaningful sentence लिखेंगे. Took the word from the bracket and fill in the blanks. Bracket से word लेके blanks को fill करना है आपको. Happy और joy. There was great joy in Nina's house. Nina के घर में great joy था. Everyone was happy except Nina. Nina को छोड़ के सब बहुत happy थे. Next is underline the wrong words. Wrong word को underline करिए. Married. तो wrong इसमें married है and married है. Married right है, बीच में जो spelling है आपकी. Little, तो ये दोनों word wrong है. इनको आप underline कर देंगे दोनों को और correct word को रहने देंगे. Generally बच्चों को देखा गया आप question अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आपको लगेगा इसमें correct word को choose करना, आप इसको circle कर देंगे. तो पहले question ध्यान से पढ़ना, उसने wrong word को बोला underline करने के लिए. Okay? नेक्स्ट आपके टेक्स्ट के बुक के क्वेश्चंस हैं, ये आप सबको पता होंगे. हु एट द अनॉमस टर्निप. अनॉमस टर्निप को किस किस ने खाया था. सो द ओल्ड मैन द ओल्ड वुमेन द बॉय एंड द गर्ल ऑल ऑफ देम एट द अनॉमस टर्निप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग डज द सीड नीड टू ग्रो. सीड को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. तो उसको चाहिए सॉइल एंड सम वाटर एंड एयर. ये तीन चीज़ें जो कि सीड को चाहिए टू ग्रो. नेक्स्ट इज व्हाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी. लिटिल फिश अनहैप्पी क्यों थी. ड्यू टू His size, वो अपनी size की वजह से unhappy था जो आपके उसमें little fish था. Next is where does the balloon man stand. Balloon man कहाँ पर खड़ा होता था. तो I think वो market के बिलिंग द सेंटर ऑफ द मार्केट वहाँ पर खड़ा होता था. इसके आंसर शायद मुझे बहुत ना पता हो, अगर आप चाहे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बता भी सकते हैं. नेक्स्ट इज कम्प्लीट द पोएम. I dash heard but it was dash true. I wish we would find a nice big shell and dash it singing to. ये आपका सी सॉन्ग का जो पोएम है उसमें जो आपका ब्लैंक दिया हुआ है, आपको कहने का मतलब है कि आपको पोएम्स भी लर्न होनी चाहिए. आपको हो सकता है उसमें ब्लैंक्स आ जाएं और कहे कि इनको फिल करो. तो ये आप बता देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर 5 ब्लैंक्स में क्या आएगा, बिकॉज मुझे पोएम लर्न नहीं है. थर्ड क्लास को इंग्लिश में नहीं पढ़ा रही हूँ इस बार. तो जो भी बच्चे को इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर 5 करके ब्लैंक्स बता दें, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए. अब आते हैं ग्रामर में. न्यू वर्ड्स बनाने हैं. ब्रेकफास्ट डैश प्लस डैश. तो ब्रेकफास्ट किन दो वर्ड्स को मिलकर बनाए. ब्रेक प्लस फास्ट. ओके, नेक्स्ट इज राइट द ऑपोजिट ऑफ डाउन. डाउन का ऑपोजिट होता है अप. डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर. राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ गुड. गुड का राइमिंग वर्ड एक मैं लिखती हूँ, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. गुड शुड फूड भी हो सकता है, लेकिन गुड फूड मैच नहीं करता क्योंकि गुड में बहुत जल्दी से यू की साउंड आती है. तो गुड शुड
वुड, ओके वुड लिख लीजिए, वुड विड बी बेटर, डब्ल्यू डबल ओ डी, और एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म होती है ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच टी. नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ क्योंकि आप इसमें जनरली गलती करते हैं, चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम हेल्प बॉक्स, मिल्क और पोटैटो, अ ग्लास ऑफ मिल्क या ग्लास ऑफ पोटैटो, ऑब्वियसली ग्लास में हम लोग मिल्क ही पियेंगे, सो अ ग्लास ऑफ मिल्क. नेक्स्ट इज मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लासरूम, क्लासरूम को यूज करके आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है. देयर वॉज अ ग्रेट नॉइज इन द क्लासरूम, या फिर टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम. ओके कोई भी आप सेंटेंस बना दीजिए जिसमें क्लासरूम आ रहा हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द जंबल वर्ड करेक्टली. तो देखिए आप देखेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है इन्होंने, हो सकता है एम वाई डबल ई एन. आप पॉज करके वीडियो एक बार सोचिए इससे क्या वर्ड बन सकता है, देखते हैं आपको पता लगता है नहीं, फिर मैं बताती हूँ. तो इसका जो करेक्ट वर्ड है दैट इज एनिमी, ई एन ई एम वाई. ओके तो इस तरीके से आप जंबल वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल डैश, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें आएगा यस्टरडे टुडे, तो डेफिनेटली टुडे आएगा इसमें. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ. राइट द फुल फॉर्म ऑफ कांट, कांट की फुल फॉर्म होती है कैन नॉट. ओके नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है, फाइव सेंटेंसेज आपको मदर के ऊपर लिखना है. माई मदर नेम इज दिस एंड आई लव माई मदर, माई मदर डू दीज वर्क्स, माई मदर टुक केयर ऑफ एवरी वन इन द फैमिली एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ. इस तरीके से आप फाइव सेंटेंसेज लिख सकते हैं कोई भी. माई विद्यालय, माई विद्यालय नेम इज दिस, इट हैज़ जितने रूम्स, जितने भी रूम्स हैं, ऑल टीचर्स आर वेरी गुड एंड देर आर इतने टीचर्स इन माई स्कूल. इट हैज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन, देर आर मैनी स्विंग्स एंड इन माई स्कूल. ओके तो जो भी आप अपने स्कूल के बिल्डिंग के बारे में, क्लासरूम्स के बारे में, टीचर्स के बारे, क्लासरूम्स, ऑल क्लासरूम्स आर क्या बोलते हैं आपको वो ग्रीन बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड इक्विप्ड, सारी क्लासेस में ग्रीन बोर्ड स्मार्ट बोर्ड हैं एंड ऑल, जो भी आप अपने आई लव माई स्कूल, इस तरीके से कोई भी फाइव सेंटेंसेज आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है स्पेलिंग, इन सर्कल दी करेक्ट स्पेलिंग, क्रॉल की स्पेलिंग आपको दिए सी आर ए डब्ल्यू एल, सी आर डब्ल्यू एल, तो क्रॉल की स्पेलिंग ये होती है. नेक्स्ट इज प्लेफुल, प्लेफुल की स्पेलिंग ये बिल्कुल नहीं होती, ये होती है, सिंगल एल आता है. ओके नेम द पर्सन हु टीचेस अस, उस पर्सन के नाम लिखिए जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, टी से शुरू होता है टीचर. नेक्स्ट इज फिल अप विद द करेक्ट वोवल्स, यू एन डी डैश आर एस टी डैश ए एन, तो ये अंडरस्टैंड वर्ड है, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में इसमें ब्लैंक्स में क्या आएगा. आंसर सी करके लिख देंगे आप कि ब्लैंक में ये आएगा मैम. नेक्स्ट इज नेम द कलर ऑफ द वर्ड, अ क्रो इज, क्रो का कलर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप ही बताएंगे. राइट द साउंड ऑफ हॉर्स, हॉर्स के जो साउंड होते हैं दैट वी कॉल्ड नी, एन ई आई जी एच. ओके नेक्स्ट आपका हैंड राइटिंग है, जो आपको यहाँ दिया वो आप साफ साफ राइटिंग में यहाँ पर लिखेंगे, राइटिंग के भी आपके मार्क्स होते हैं. सो दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन पेपर था. उम्मीद है कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स पता होंगे और कहीं ना कहीं आपको पता लगा होगा कि कितने आप प्रिपेयर्ड है और थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.